सिकंदराबाद लाला लाला पेट एरिया के जो अलमा बिठाए हैं उनके उनके बारे में मोहम्मद यूसुफ साहब से बात करेंगे। बोलिए यूसुफ साहब, कब से बिठा रहे हैं और इसका ऑर्गेनाइजेशन कौन, फंडिंग वगैरह कौन कर रहे हैं? ये हम लगा देखो 35 साल के ऊपर से हम बिठा रहे सवारियाँ, ना किसका खर्चा नहीं लेते, ना किसका ये नहीं करते। हम आगा बोर्ड से हमको ये कुछ भी नहीं है, समझे। हम बिठा रहे हैं, उनकी खिदमत कर रहे। उससे पहले कोरोना भी आया था, उस दिन तो हम तो नहीं बिठाए सवारी। फिर अब हम बिठाए, परमिशन आते हमारे पास, पुलिस वाले आते हमारे पास, आराम से देख के चले जाते। हम फिरते नहीं, करते नहीं। हमारे सवारियाँ ये झंडे के पास से ले ले जाते, सीधा यहाँ को ले के आके फिर टाइम पे हम रख देते। ना झगड़ा, नहीं पंचायत, नहीं कुछ नहीं। हंसी खुशी से यहाँ होता हमारे पास। आज इतने साल हो गए, हमारे को ये कुछ तकलीफ नहीं है हमारे को। खाने का इंतज़ाम कुछ करते? खाने का इंतज़ाम का हमारे को क्या है, ज्यारत करो बच्चों को, मासूम बच्चों को हम पका के सबको यहाँ बिठा के खाना खिला देते। हमारे पैसों से खिलाते, हम किसी के पास नहीं लेते, एक दो पैसे नहीं देते, हम लेते नहीं। आपके खानदानी अलमा है? खानदानी अलमा है, निज़ाम के ज़माने के अलम है ये, आपके नहीं है, निज़ाम के ज़माने के अलम है ये। ये लाला पेट में सबको मालूम है, पूरे लोगों को ये आसुर खाना लाला पेट का है, खदीम है। हमारे को कुछ ये नहीं है तकलीफ हमारे को, समझे।